बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एग्जाम्स में आपको एज अ लेंथी क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। मैं आपको ये कराऊंगी भी विद प्रूफ। अक्सर पूछ लिया जाता है कि आप जी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन एंड वेरियंस फाइंड करो, स्टैंडर्ड डिविएशन विद प्रूफ फाइंड करें, तो वो इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं, जो कि मैं अभी आपको सॉल्व करके बताती हूँ। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो फोर है, ठीक है। मैं विद प्रूफ आपको कराने लगी हूँ स्टूडेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के लिहाज से भी, तो इसको आपने मस्ट पिक करना है। अच्छा, फर्स्ट हमारे पास कहते हैं, हम कहते हैं लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हम कहते हैं जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बी, जिसमें हमारे पास इसके कितने पैरामीटर्स होते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, दो होते हैं एन एंड पी। देन इट्स मीन एंड वेरियंस आर गिवन बाय म्यू इज इक्वल्स टू, आपके पास आना चाहिए एन पी, एंड वेरियंस आपके पास आएगा एन पी क्यू। स्टूडेंट, इसको मैं आपको प्रूव कराऊंगी। वो आपको जो फर्स्ट प्रॉपर्टी कह रही है, वो कहते हैं लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बी, देन इट्स मीन एंड वेरियंस आर गिवन बाय दिस, ठीक है। तो आपके पास मीन क्या है एंड वेरियंस क्या है, ये हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्रूव करवाती हूँ फॉर द मीन के लिए, कि मीन हम कैसे फाइंड करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता है, और जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है वो आपके पास एन पी के इक्वल आनी चाहिए। हमारे पास जो टर्म होती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, फार्मूला होता है वो एन से, हमारे पास क्या होता है दिस वन, ठीक है, कि हम इसको लिखते हैं ये हमारे पास। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो एक्स होता है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, जीरो वन टू एन एन तक हमारे पास आए। अब देखिए स्टूडेंट, फंक्शन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हमें पता है कि वो क्या होता है, तो आप इसकी जगह क्या पुट करना है, हमने अपना फंक्शन पुट कर देते हैं जो हमारे पास क्या है, एन एक्स पी एक्स एंड क्यू एन माइनस एक्स। एक्स मैंने वैसे ही रहने दिया, मैंने सिर्फ बाइनोमियल का फंक्शन जो है, जो बाइनोमियल का फार्मूला वो पुट कर दिया। अब मैं इस फार्मूले को ओपन करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, समेशन एक्स। अब देखिए यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं फार्मूला ओपन करी तो मेरे पास आएगा एन फैक्टोरियल, इसी तरह एक्स फैक्टोरियल एन माइनस एक्स फैक्टोरियल पी एक्स, बल्कि पी एक्स, हाँ पी को जब मैं ओपन करूंगी, अभी नहीं नेक्स्ट में कर देती हूँ, चल ये मेरे पास आ गया। अब मैंने फैक्टोरियल को ओपन करना है, ठीक है, तो जब मैं स्टूडेंट ओपन करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एन एन माइनस वन फैक्टोरियल, इसी तरह एक्स एक्स माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस एक्स फैक्टोरियल। देखिए वन तक मैंने क्यों ओपन किया, देखिए मेरे पास एक्स था ना, तो एक्स मैंने लेकर एक्स माइनस वन फैक्टोरियल तक ओपन करना। एक रीजन मेरे पास टू फैक्टोरियल में आ जाता तो फिर मैं टू तक लेके जाती, तो यहाँ मेरे पास अगर मैं इसको लिख दूँ पी एक्स एंड पी एक्स माइनस वन, तो मेरे पास इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि मैंने इसको ओपन किया, तो सॉरी यू कि पी पी से कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन एन प्लस वन वाला कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या रह जाएगा पी एक्स ही रह जाएगा, एंड क्यू क्या आ जाएगा एन माइनस एक्स आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसमें जो मेरे पास मैं कहती हूँ कि पैरामीटर्स हैं कांस्टेंट है वो एन एंड पी हैं, उनको मैं बाहर ले लेती हूँ, तो जब मैं बाहर लूंगी तो एन पी जो है मेरे पास बाहर आ जाएंगे, समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू जीरो टू एन है, तो जो वैल्यूज मेरे पास रह जाएंगी वो क्या रह जाएगा एन माइनस, यहाँ देखें x x से कैंसिल हो गए n और p को बाहर ले लिए, तो जो बाकी है वो अब चीजें लिखने लगी n माइनस वन फैक्टोरियल, इसी तरह आ जाएगा x माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल p x माइनस वन एंड q n माइनस x। मैंने स्टूडेंट इसमें सिंपल क्या किया है, मैं आपको अगेन बता रही हूँ कि मेरे पास ये फार्मूला होता है फॉर द मीन, मेरे पास एक्स वैसे गिवन था लेकिन एफ एक्स जो बाइनोमियल फंक्शन है वो मैंने पुट कर दिया। अब देखिए मैंने इसको ओपन किया है एन माइनस एक्स टर्म को फैक्टोरियल में लाएंगे, एन फैक्टोरियल एक्स फैक्टोरियल एन माइनस वन। अब मुझे कैसे पता चलना है कि मैंने कहाँ तक ओपन करना है, देखिए मेरे पास सिर्फ एक्स है ना, मैंने एक्स को कटिंग करनी है तो मैं इसको सिर्फ वन तक लिख दूंगी, एक्स माइनस एक्स वन फैक्टोरियल एन माइनस एन वन फैक्टोरियल एन दिस वन। तो एन एंड पी मेरे पास क्या है कांस्टेंट है, उनको मैं बाहर की तरफ ले आई हूं, एक्स मेरे पास एक्स से कैंसिल हो गया, बाकी जो रिमेनिंग है वो मैंने लिख दी। अब स्टूडेंट यहां जो ये लिमिट दे रहे हैं, लिमिट वो दे रहे हैं जीरो टू एन, तो मैंने जो लिमिट पुट करनी है, ठीक है, वो किस में भला पुट करनी है, पहले मैं आपको ये फार्मूला क्लोज कर देती हूँ, कि जो फार्मूला मेरे पास अब बनेगा इज इक्वल्स टू जीरो टू एन, वो मेरे पास क्या बनेगा एन माइनस वन एक्स माइनस वन
पी एक्स माइनस वन क्यू एन माइनस एक्स जो है मेरे पास फार्मूला बन रहा है। अब मैंने इसको क्या करना है कि पुटिंग करनी है वैल्यूज। अब जहां जहां x है मैंने उसमें क्या पुट कर देना है, 0, 1, 2 इस तरह पुट कर देना है। देखो 0 माइनस वन पी 0 माइनस वन क्यू मेरे पास क्या आ जाएगा n माइनस 0। तो यह हमने सारा इसी तरह पुट कर देना है प्लस। अब सो ऑन आपने कहाँ तक लेके जाना है, n तक इसी तरह पुट करना है। x में फिर 2 पुट कर 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, जहाँ जहाँ x है लास्ट में आपने इसमें n पुट कर देना। तो जो हमारे पास फार्मूला जिसको हम क्लोज करेंगे तो वो जो हमारे पास बनेगा वो क्या हमारे पास आ जाएगा, क्यू प्लस पी इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इसकी पावर आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गई है वैल्यूज। तो जो वैल्यूज आई है एन पी क्यू प्लस पी एन माइनस वन हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब आपको पता है कि हमारे पास क्यू प्लस पी जो है इज इक्वल्स टू वन होता है, या आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्यू प्लस पी जो है वो इज इक्वल्स टू वन होता है। तो मैं इसकी जगह अगर वन पुट कर देती हूँ तो एन माइनस वन, तो वन की कोई भी पावर वन नहीं आता। तो जो आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है, मीन है, म्यू है, वो किसकी इक्वल आ जाएगा, एन पी की इक्वल। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी जो कि हमने प्रॉपर्टी में बताई थी कि लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देन इट्स मीन एंड वेरियंस आर गिवन। मीन हमारे पास ये गिवन था, वेरियंस जो है मैं आपको फाइंड करके बताती हूँ। अच्छा, वेरियंस के लिए स्टूडेंट आपको थोड़ा सा जो है और लेना पड़ेगा, थोड़ी सी और आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा मीन के मुकाबले में, बट अगर आपको समझ आती है तो मेथड आपके पास सेम यही है। अब देखिए हमारे पास जो वेरियंस होता है ना, वो हमारे पास किसकी इक्वल होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वेयर। ये तो आपने पढ़ता भी है, आपने पढ़ा भी है कि जो हमारे पास वेरियंस है वो इसकी इक्वल होता है। अब हमने फाइंड करना है क्या चीज़, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वेयर फाइंड करना है। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वेयर आप जब फाइंड करोगे ना तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इक्वल्स टू होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्स माइनस वन की इक्वल होता है एंड प्लस हमारे पास किसकी इक्वल होता है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स के इक्वल होता है। ये हमारे पास फार्मूला एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स का, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर फाइंड करना है। अब सबसे पहले तो हमने ये फाइंड करना है, ये तो हमें पता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो है वो हमने मीन फाइंड किया एन एंड पी की। अब हमने ये फाइंड करना है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्स माइनस वन जो है वो हमारे पास किसी इक्वल है। अब देखिए आपके पास फार्मूला जो स्टूडेंट था ना, उसी फार्मूले में मैं ये चीज लिख रही हूँ कि समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो टू एन है और एक्स की जगह इधर मेरे पास क्या है एक्स माइनस वन। ये फंक्शन जो बाइनोमियल, फिर हमने फंक्शन लिखना होता है तो मैं बाइनोमियल के इधर डायरेक्ट फंक्शन लिख देती हूँ, वो मेरे पास क्या आ जाएगा एन एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स आ जाएगा। अब स्टूडेंट मैंने इस फैक्टोरियल को ओपन करना है, ठीक है, तो मैं फैक्टोरियल को ओपन करती हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा और ये जो लिमिट जाएगी ये मेरे पास आएगी अब टू से, क्योंकि आई इज इक्वल्स टू 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 एन है, वो मैं कैसे लूंगी मैं आपको बता देती हूँ, एक्स माइनस वन। अब देखिए मैं इसको ओपन कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा एन एन माइनस वन एन माइनस टू फैक्टोरियल। अब मैं बताती हूँ मैंने टू तक क्यों ओपन किया, एक्स को ओपन करूंगी तो एक्स एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस टू फैक्टोरियल एंड एन माइनस एक्स फैक्टोरियल पी एक्स एंड क्यू एन माइनस एक्स। अब स्टूडेंट मैंने जो ये चीज ओपन की है ना वो इस वजह से की है कि आपके पास अगर एक्स एक्स माइनस वन है तो हमने अब सिर्फ एक्स नहीं रिमूव करना, हमने साथ में एक्स माइनस वन भी रिमूव करना है। इस वजह से हमने फैक्टोरियल को एक्स माइनस टू तक किया है ताकि ये चीजें हमारे पास क्या हो, कट ऑफ हो जाए, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट रह जाए। अब हमारे पास क्या आ जाएगा इधर, हमारे पास आएगा एन एन माइनस वन एन माइनस टू फैक्टोरियल, बाकी क्या रह गया एक्स माइनस टू फैक्टोरियल एंड एन माइनस एक्स फैक्टोरियल। आप पी की जगह क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस टू एंड पी आप लिख सकते हो कि स्क्वेयर। इसी तरह हमारे पास क्यू एन माइनस एक्स, यहाँ हमने पहले पी भी लिखा था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसिव एंड सक्सेसिव, अगर अब इन दोनों को भी रखते हैं कटिंग होकर फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ही आ जाएगी क्योंकि पावर ऐड हो जाती है, जब आपकी बेस सेम होती है तो जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। कैसे ऐड हो जाती हैं, देखिए मैंने ही लिखा है पी एक्स माइनस टू एंड पी टू है तो पावर एक जैसी है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, हमारे पास बेस एक जैसी है प्लस टू, तो जो टू टू कैंसिल होगा तो फिर पी एक्स ही आ जाएगा। तो इसी वजह से मैंने इसको एक्सटेंड करके लिख दिया ताकि मैं इसको इजीली सॉल्व कर सकूं। अब मेरे पास जो चीजें बाहर आ रही हैं कॉन्स्टेंट है वो एक तो एन है, फिर एन माइनस वन है, ये भी बाहर ले आई हूँ, एन पी स्क्वायर है, तो बाकी जो मेरे पास रह जाता है वो क्या रह जाता है
एन माइनस टू फैक्टोरियल, एक्स माइनस टू फैक्टोरियल, एन माइनस एक्स फैक्टोरियल, पी एक्स माइनस टू क्यू एन माइनस एक्स आ रही है। स्टूडेंट आपने क्या करना है कि इस फार्मूले को सेम वैसे ही ओपन करना है जैसे कि हमने पिछले में किया था, कि आपने इसको वन डालना है, जीरो डालनी है, वैल्यूज वन डालनी है, टू डालनी है, इस तरह। तो आपके पास जो वैल्यूज आ जाएंगी ना वो हमारे पास क्या आ जाएंगी, एन एन माइनस वन एन पी स्क्वायर तो हमारे पास बाहर था, क्यू प्लस पी हमारे पास क्या आ जाएगा, एन माइनस टू। आपको पता है कि क्यू प्लस पी जो है वो किसकी इक्वल होता है, हमारे पास वन की इक्वल होता है। तो अगर आप इसकी जगह वन लिख देते हो तो पावर कुछ भी होता है वो वन नहीं रहता। तो अब आपके पास क्या आ गया, एन एन माइनस वन एन पी स्क्वायर। अब हम उस फार्मूले में पुट करते हैं क्योंकि हमारे पास अब आ गई एक्स स्क्वायर की भी वैल्यूज। अब हम पुट करते हैं हमारे पास क्या वैल्यूज आती हैं और मीन हमारे पास कैसे आता है। देखिए ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब मैं पुट करा रही हूँ आपके पास इसमें वैल्यूज, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एन एन माइनस वन पी स्क्वायर, ये वैल्यूज मैंने इसकी जगह पुट की है, प्लस ये मेरे पास क्या है, एन पी। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जो एक्स स्क्वायर क्यूब था उसकी वैल्यूज यहाँ भी। अब मेरे पास जो मैंने फाइंड करना था वो वेरियंस था, और वेरियंस का फार्मूला क्या होता है, आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ मेरे पास इसकी वैल्यूज क्या है, ये तमाम लिखे, एन एन माइनस वन पी स्क्वायर प्लस एन पी माइनस एन पी का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने मीन फाइंड किया वो एन पी की इक्वल होता है। अब आप इसे मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर पी स्क्वायर, इन सबको मल्टीप्लाई करो, माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी माइनस एन स्क्वायर एन पी स्क्वायर। देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया है, एन पी माइनस एन पी स्क्वायर। अब आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, एन भी आपके पास कॉमन आ जाएगा, पी भी कॉमन आ जाएगा, क्या रह जाता है, वन माइनस पी। जो वन माइनस पी होता है वो आपके पास किसकी इक्वल होता है, क्यू की इक्वल होता है, तो ये क्यू। तो जो वेरियंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपका वेरियंस होता है वो आपका क्या होता है, एन पी क्यू होता है। और अगर आपने स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है, आप इसी का पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हो तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन भी आ जाएगा इन द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। और ये जो दो प्रूफ है स्टूडेंट जो मैंने आपको कराया है फॉर द मीन एंड द वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये अक्सर आपसे 5 to 6 नंबर का मार्क्स दे देते हैं जी, आपने ये फाइंड करना है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है और आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाती है, ये प्रूफ स्टूडेंट आपको मैं अगेन बता रही हूँ, आपने इनकी बहुत प्रैक्टिस करनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए एग्जाम्स के। अच्छा, प्रॉपर्टी ऑफ टू हमारे पास है कि हायर मूवमेंट्स ऑफ जो हमारे पास होते हैं, हायर मूवमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास आ जाती है, हायर मूवमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर फाउंड एज, वो क्या हो जाते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट होता है वो किसकी इक्वल होता है, एन पी की। इसी तरह सेकेंड मूवमेंट जो हमारे पास होता है वो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, या हमने मज़ुबानी याद भी रखनी है, अक्सर आपसे पूछ भी लिए जाते हैं, तो ये आपको मूवमेंट्स जो है पता होने चाहिए कि क्या क्या मूवमेंट्स हैं हमारे पास। ये किसकी इक्वल होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स थ्री, जो कि क्या आ जाता है, एन एन माइनस वन एन माइनस टू। ये आपने प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट बार बार लिखेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको समझ में आएंगे, अदरवाइज ये आपके कोई पले नहीं पड़ेंगे। तो इसी वजह से आपने अपने प्रैक्टिस के लिए इसको बार बार करना है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स फोर हमारे पास ये मूवमेंट्स आ जाता है, एक्स फोर मूवमेंट्स हमारे पास क्या होता है, एन पी क्यू एन वन प्लस थ्री एन माइनस टू पी क्यू जो है ये हमारे पास फोर्थ मूवमेंट होता है, और ये आपने माइंड में रखनी है। अच्छा, फॉर द स्क्यूनेस एंड कॉर्टोसिस आपके पास क्या आ जाता है, अगर आपको स्क्यूनेस बीटा वन फाइंड करना है इन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में तो वो हमारे पास ये होता है। वैसे तो ये फार्मूला है बट आपके पास जो मूवमेंट ऑफ थ्री, इनको जब आप फाइंड करते हो प्रॉपर तरीके से प्रूफ करते हो तो आपके पास आंसर जो आएगा ही, आपको इनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बस आप इनको माइंड में रख लो कि ये जो है फॉर द बीटा वन जो है स्क्यूनेस के लिए है, बीटा टू जो है वो यूज हो रहा होता है कॉर्टोसिस के लिए, ठीक है, कॉर्टोसिस फॉर द पीकनेस चेक करने के लिए, एंड ये स्क्यूनेस के लिए हमारे पास बीटा वन जो यूज, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ हमारे पास क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फोर एंड मूवमेंट ऑफ टू, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 3 + 1 - 6 पी क्यू एंड एन पी क्यू फॉर द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये है। देन लास्ट वन, अगर जो हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है
नेक्स्ट क्योंकि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से कंसर्न करती है, तो जो हमारे पास थर्ड एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं कि द शेप ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ टू पैरामीटर्स। जो पैरामीटर्स होते हैं ना वो शेप्स ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे भी पैरामीटर्स जो होते हैं वो आपकी शेप ही बताते हैं, ठीक है, जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो शेप ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन वैल्यूज ऑफ टू पैरामीटर्स। अब कितने पैरामीटर्स ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी आपने माइंड में रखने, ये अक्सर आपसे MCQs में भी पूछ लिया जाता है कितने पैरामीटर्स हैं, वी हैव द टू पैरामीटर्स। अब जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है अगर ये लेस देन है 1/2 तो ये हमारे पास क्या बता रही होती है, पॉजिटिवली स्क्यूड बता रही होती है, कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड आपको बता रही होती है। अगर ये है ग्रेटर देन 1/2 होती है तो ये हमारे पास क्या होती है, नेगेटिवली स्क्यूड होती है। तो ये आपने माइंड में रखना है, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो बाकी स्टूडेंट अगर आपके पास जो है ये इज इक्वल टू 1/2 है तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, सिमेट्रिकल आ जाती है। तो ये आपके पास स्टूडेंट थी प्रॉपर्टीज ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर इनको प्रूव करने के लिए दे दिया जाता है, अक्सर आपसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज पूछ ली जाती हैं ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जिस तरह थर्ड प्रॉपर्टी है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आपसे आने के चांसेस होते हैं, अक्सर फुल क्वेश्चन ही ये दिया जाता है कि आप जी फाइंड करें प्रूव करें प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, या आपसे ये पूछ लिया जाता है कि मीन एंड वेरियंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रूफ करें। तो ये जितने भी हैं मैंने इनमें प्रूफ भी करा दिए, प्रॉपर्टीज भी आपकी कवर हो गई हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है स्टूडेंट। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ये बहुत जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपने अच्छे तरीके से समझनी है, अगर कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियोस, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।